The Creators Academy. Dreams don't work unless you do. Like and share a video. For more information, subscribe to our channel and click the bell icon. Assalamu alaikum everyone. उम्मीद करता हूँ कि आप सब हैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ऑटोमेटिक वाटर इरिगेशन सिस्टम। ये प्रोजेक्ट बेसिकली उन लोगों के लिए जो फार्म्स या जिनकी फील्ड्स हैं जैसे कि या जिन्होंने प्लांट्स रखे हुए हैं, इस प्रोजेक्ट की मदद से हम ये जान सकेंगे कि जो मिट्टी है वो उसमें कितनी नमी है या उसे कितने पानी की मकदार चाहिए। इसकी मदद से हम अपनी बिजली को ज़ाया होने से भी बचा सकते हैं और पानी का जो वक्त के साथ साथ ज़ाया हो रहा है उसको भी हम कम कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में जो बेसिक मटेरियल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या यूज़ हुए हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट की सर्किट डायग्राम है जिसमें हमने एक मॉइस्चर सेंसर लिया है, साथ अर्डिनो लिया है जिसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है उसमें हमने कोडिंग की हुई है, साथ हमारे पास एक पम्प है, वाटर पम्प है, फिर उसके बाद साथ ही हमारे पास रिले है, साथ हमारे पास बैटरी है और ये एक साथ रजिस्टर लगा हुआ है। और कोडिंग हम इस तरह करेंगे कि हमें पता चले कि हमें कितने पानी की मकदार ज़रूरी है और कितना उस पर वो वर्क कर रहा है। देन इसको मज़ीद एक्सप्लेन मेरे दोस्त एहसन करेंगे और इसकी फ़िज़िकल डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाएंगे आपको कि ये कैसे वर्क कर रहा है। जी एहसन, आप ना आप स्टार्ट करें। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमने ये प्लांट लिया और इसके अंदर कुछ पानी मौजूद, हमने जैसे इसके अंदर सेंसर डिप किया तो इसके अंदर हम कोई भी पानी प्रोवाइड नहीं कर रहे। अब जैसे इसके अंदर से मैं सेंसर बाहर निकालूंगा, एज अ रिजल्ट जो मोटर है वो पानी देना शुरू हो जाएगी और पौधे को पानी मिलेगा। जैसे ही इस को सेंसर को हमने दोबारा डिप आउट किया और इस सेंसर को पता चल गया कि हमने पौधे को पानी दे दिया है, वो सिग्नल देगा ऑर्डिनो बोर्ड को, ऑर्डिनो बोर्ड दोबारा सिग्नल देगा मोटर को कि पानी की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम एक ऑटोमेशन ऑटोमेटेड सिस्टम तैयार कर सकते हैं जो इरिगेशन के सिलसिले में काम आएगा बड़ी बड़ी फील्ड्स के अंदर और बहुत से, जैसे कि जहाँ पहले वो भी बात की कि ग्रीन पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान की जो मोटिवेशन है मोटिव्स हैं उनके अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सेकेंडली अगर हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आएँ तो हमें यहाँ पर उस पानी, उस पौधे के अंदर जितना भी पानी है उसका मॉइस्चर भी पता चल रहा होता है कि उसके अंदर कितना पानी मौजूद है एंड एक्सेट्रा। इसी तरीके से हम एक बड़ी फील्ड्स के अंदर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और देन उनके अंदर एक ऑटोमेटेड सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे फार्मर्स और हमारे लोकल जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले।